वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स लेट्स सी आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट्स पॉसिबल है सो अल्टीमेटली निफ्टी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है 18104 एंड 18170 के बीच में लेकिन निफ्टी एक्चुअली में स्ट्रांग सपोर्ट लेगा 17830 एंड uh, 18000 के बीच में ओके बिकॉज यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ई 20 है यहाँ तक तो एटलीस्ट रिट्रेसमेंट होना चाहिए निफ्टी सो विल सी फ्रेंड्स हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं सिमिलरली बैंक निफ्टी का अल्टीमेट रिट्रेसमेंट होना चाहिए थर्टी एट फोर एटी एंड थर्टी एट सेवन सेवेंटी के बीच में लेट सी क्या मोमेंट्स पॉसिबल है आज निफ्टी में फ्रेंड्स हम लोग इंड्रा डे ये सेलिंग जोन से ट्रेड ले सकते हैं एटीन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी सिक्स एंड एटीन थाउजेंड थ्री सिक्सटी सेवन के बीच में स्ट्रोंग सेलिंग जोन है ये मिनट्स का से से लेके राइट? पे जैसे ये प्री मार्केट ओपन हो रहा है गैप अप, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये जोन को डिलीट कर देंगे अब ये जोन से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं क्या नो no फ्रेंड्स हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले सकते हैं कंफर्मेशन ट्रेड ही लेना पड़ेगा ओके तो लेट से मार्केट थोड़ा सा ये जोन के अंदर है जब यहाँ से बाहर निकलेगा अब हम लोग सेल कर सकते हैं और हमारे लिए टारगेट रहेगा 18168 का 18 ये इजी टारगेट है फ्रेंड्स यहां से निफ्टी इजीली यहां तक आ सकता है लेट्स सी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी भी ये सेलिंग जोन के ऊपर ओपन हो रहा है सो अभी हम लोग इसको डिलीट कर देंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियोस से, है फ्रेंड्स स्ट्रांग सेलिंग जोन से हम लोग सेल कर सकते हैं जैसे यहां पे आएगा बैंक निफ्टी में हम लोग इजीली सेल कर सकते हैं टिल थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड सो बैंक निफ्टी थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड तक रिट्रेस होना चाहिए अगर इसको मूवमेंट कंटिन्यू करना है तो ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है फ्रेंड्स क्रैश बिल्कुल भी नहीं है ये नॉर्मल आइडियली रिट्रेसमेंट पेंडिंग था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ये आइडियल नॉर्मल रिट्रेसमेंट एटीन थाउजेंड तक हो सकता है निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको लेवल बता दिया थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड तक का ओके सो तब तक हम लोग शॉर्ट के ले सकते हैं लेकिन एक यहाँ पे सिर्फ दिक्कत है अगर निफ्टी लेट से यहाँ पे आ जाता है एटीन वन जीरो फोर एंड एटीन वन सेवनटी के बीच में तो हम लोग शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करते ओके okay? यहाँ लेट से अगर प्राइस यहाँ पे पहले आके यहाँ से जब रिएक्ट करेगी तब भी हम लोग को शॉर्ट के ट्रेड्स नहीं लेने हैं जब यहाँ से रिएक्ट करेगी तब इंट्राडे में सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स लेने ओके सो आई होप आप समझ के, आप यहां से शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हो एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड से क्योंकि रिस्क बहुत कम है ओके सो यू निफ्टी का रिट्रेसमेंट एटीन थाउजेंड तक पेंडिंग है पॉसिबल है सो दिस इज द विल मीट अगेन डिफरेंट एनालिसिस